जस्ट दो तीन ऐसे करूंगी। मैं लूज पाउडर के नाम पे यही यूज करती हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं यहाँ पे आउटलाइन बनाऊंगी। तो कैसे शार्प की ये मैं ही जानती हूँ। हाय एवरीवन, सो मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, वही मेरा नॉर्मल सा वन एंड ओनली बैकग्राउंड के साथ। लेकिन गाइज जल्द ही मेरा बैकग्राउंड चेंज होने वाला है। एंड आज के वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। सो आज हम करने वाले हैं राजस्थानी लुक। फोटोशूट करना था तो मैंने सोचा चलो मेकअप लुक का एक वीडियो बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी मम्मी की पोशाक पहनने वाली हूँ जो एकदम हैवी है, उसने बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ है, तो इसलिए मैं मेकअप बहुत ज्यादा सिंपल करने वाली हूँ और ना ही ज्यादा ज्वेलरीज पहनने वाली हूँ। तो चलिए गाइस सिंपल लुक करते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, फेस वॉश करके आई हूँ और अभी हम यहाँ से ही मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और फटाफट से मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मॉइस्चराइजर ले लिया है एंड आई थिंक इतना बहुत है। मुझे मॉइस्चराइजर लगाना पसंद नहीं है बट लगाना पड़ता है, क्या करें। अभी हम लगाएंगे प्राइमर। अरे बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, आपको पता ही होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी में प्राइमर लगा रही हूँ यहाँ पे। फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग दिस मास्क का फाउंडेशन जो मैंने अभी न्यू लाया है फ्लिपकार्ट से। मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है लेकिन ये आप देख सकते हैं काफी अच्छी हाई कवरेज देता है और इसमें काफी सारे शेड्स अवेलेबल है। मेरा है शेड 03 और आप अपने स्किन टोन के हिसाब से मंगा सकते हैं। काफी अच्छी है गाइस, एंड आप देखना, मैं आपको दिखाती हूँ इसके रिजल्ट्स इसका यूज करके। मैं जस्ट दो तीन ऐसे करूंगी ऐसे और इतने में ही काफी अच्छा ग्लो आ जाएगा। इससे ज्यादा मैं प्रोडक्ट यूज ही नहीं करती, एक ड्रॉप में मेरा सब हो जाता है और कभी कभी तो मुझे ड्रॉप वेस्ट हो जाती है, कभी कभी तो आ रहा थोड़ा सा प्रोडक्ट। जब मैं आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करती हूँ, दिखाती हूँ इसकी कवरेज क्या है यार। मतलब मुझे तो कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा डार्क सर्कल दिख तो नहीं रहे, कैमरे में भी और रियलिटी में भी नहीं है। डैब डैब करके ब्लेंड करना चाहिए, हो चुका है गाइज। इसमें एक चीज है, ये है कि फाउंडेशन लगाते ही ब्लेंड करना है, अगर आपने नहीं किया तो समझ लो कि ये सूख जाएगा और ये वहां से निकलेगा भी नहीं, भले आप किस किस के पागल हो जाओगे। जिसके आप देख सकते हैं नीचे थोड़ा सा टाइम ले रहा है ब्लेंड होने में। अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने और ऊपर भी ब्लेंड कर लिया। अभी जो लुक कितना अच्छा ग्लो आया यार थोड़े से प्रोडक्ट में। मैं ज्यादा लगाती भी नहीं, लेकिन अगर आप हैवी लुक करें तो थोड़ा और प्रोडक्ट यूज करें। लूज पाउडर के लिए मैं यहाँ पे व्हाइट टोन का लूज पाउडर यूज करूंगी। ब्रश लेके मैं लूज पाउडर के नाम पे यही यूज करती हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। Hey guys, so I am done. तो अभी हम आती है मेन आई शेडो की बारी। यहाँ पे मेरा स्पेक्स पड़े और ये खराब हो जाएंगे। गाइज आई शेडो के नाम पे मेरे पास ये आई शेडो पहले थे, तो आप देख सकते हैं ये आई शेडो। सो मैं बहुत ज्यादा लाइट मेकअप करने वाली हूँ, सो इसके लिए मैं अपना फेवरेट रेगुलर वही शेड मेरा टेडी शेड यूज करूंगी। और यहाँ पे मिरर है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे देख के अपना मेकअप करने वाली हूँ। तो आप देखो, होप सो दिख रहा होगा आपको। पहले मैं यहाँ पे आउटलाइन बनाऊंगी। दोनों आईज पे हो चुका है जो मुझे ऊपर आई शेडो लगानी थी। अब मैं थोड़ा सा शिमर शेड यूज करूंगी, थोड़ा सा अच्छा आई शेडो कर दे, एकदम भी प्लेन अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज ज्वेलरीज नहीं पहन रही हूं मैं। तो आई एम डन विथ माय आई शेडो। कैसा लग रहा है? ओ, ब्लश के लिए मैं यहाँ पे लव वाइट शेड यूज करने वाली हूँ, एकदम लाइट से करने के बाद ही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज्यादा समझ सकते हो आप, थोड़े से प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा दिखने लग जाता है। और मुझे डार्क ब्लश नहीं पसंद। हाँ अभी सही लग रहा है। थोड़ा सा नोज पे लगा देती हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है लगाने। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लश मैंने थोड़ा सा लाइट से लगा दिया। अभी हाइलाइटर रहा है और लास्टली लिपस्टिक और वही मास्क का हाइलाइटर जो वैसे दो भागों में बिछड़ चुका है। हम ये लेंगे ब्रश, अच्छे से इसको हाइलाइट कर देंगे। ये भी काफी अच्छा है गाइस लुक, कितनी ज्यादा पिगमेंटेशन दे रही है। थोड़े से प्रोडक्ट में ये यहाँ पे निखर के आता है।
तो यहाँ पे मैं ब्राउन कलर का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ, फटाक से लगा देते हैं। गाइस डोंट जज माय लिप लाइनर, इसको कैसे शार्प की ये मैं ही जानती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना जो ऊपर का जो होता है ब्लाउज एंड ऑल कुर्ती वगैरह वो सब मैंने पहन लिया है, क्योंकि लिपस्टिक लगाने वाली हूँ तो यू नो मेरे ड्रेस को लगछक से लग सकता है। सो ये है कुछ ड्रेस का कलर, कितना अच्छा लग रहा है यार। लहंगा पहना नहीं है, मैं आपको लहंगा दिखाती हूँ। ये है इसका लहंगा जो पूरा यू नो पूरा वर्क किया हुआ है रेड लिपस्टिक लगाने वाली, बिकॉज ये ग्रीन और रेड का मतलब ब्लू रेड कुछ है, तो रेड डार्क लिपस्टिक तो रेड कलर की, मेरे पास रेड कलर का एक ही शेड है बिकॉज मैं रेड लगाती नहीं। आज मुझे नहीं पता, आई थिंक मुझे 4 to 6 months हो चुके हैं मैंने लिपस्टिक नहीं रेड वाली नहीं लगाई, बट अभी मैं लगा रही हूँ तो इसके लिए मुझे मिलर चाहिए। सो डार्क रेड कलर आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा। यार इसको ढूंढने की जगह मेरी लिप लाइनर ही पूरी ये हो गई है। ओके गाइस सो लिपस्टिक लग चुकी है एंड इट्स लुकिंग बहुत ज्यादा अच्छी। तो अब मैं फटाक से मेरी ज्वेलरीज दिखाती हूँ आपको कि मैंने ज्वेलरी में क्या क्या सिलेक्ट करके रखा है। फ्रेंड्स ये सारी ज्वेलरी, ये नेक पीस, यहाँ पे ये इयर रिंग्स एंड ये बैंगल्स जो मेरे ड्रेस के साथ अच्छे से जाएंगे। लगते हैं नेक पीस के लिए मैं ये पहने वाली हूँ जो काफी अच्छा इस ड्रेस के साथ जा रहा है, तो फटाक से इसे बांध लेती हूँ पीछे। ओके गाइस सो इट्स डन, जस्ट लुक कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये नेक पीस। गाइस इयर रिंग्स इतने शो नहीं होने वाले क्योंकि मेरे हेयर ओपन रहेंगे, तो मुझे ये छोटे छोटे से इयर रिंग्स लिए मैंने, अच्छी लग रही है। अंदर वेलवेट वाली डाली है और यहाँ पे बाजू में गोल्डन गोल्डन और सेम पैर ये हाथ में भी। बैंगल्स राजपूती ड्रेस में ना हो, ये हो नहीं सकता। तो फ्रेंड्स अब आपको डायरेक्ट ब्यूटी शॉट्स देखने मिलेंगे, बिकॉज ऐसे ही अगर मैंने सब कुछ रिवील कर दिया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्ट ब्यूटी शॉट्स के साथ।